हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 से हम इस वीडियो में देखेंगे। 41 देखिएगा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, एक ढक्कनदार लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी है 10, 9, 7। ठीक है, लंबाई चौड़ाई LBH हमें दिया है। L बराबर दिया हुआ कितना, 10। B बराबर कितना, 9। एंड H बराबर कितना, 7। ठीक है, आगे बोला है बंद बक्से की कुल भीतरी सतह का जो एरिया है कितना है। एरिया हमें गिवन है कितना, 262 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लकड़ी की मोटाई क्या है। हमसे लकड़ी की मोटाई पूछी है कि लकड़ी कितनी मोटी है। अच्छा, एक बात बताओ कि जो बॉक्स है वो तो क्यूबॉइड शेप में होगा, घनाव के शेप में। तो घनाव का एरिया कितना होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, और ये बराबर होगा किसके, 262 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंदर का एरिया। लेकिन कब, जब हम जो है लकड़ी की मोटाई इसमें से घटा देंगे, जब इसके बराबर होगा। अब लेकिन लकड़ी की मोटाई निकालने के लिए आपको इसमें से माइनस करना होगा x माइनस x माइनस x, लेकिन माइनस x नहीं करना। क्यों? अब जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स है, मैं बना देता हूँ इस टाइप से, समझना। ये एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। इसकी मोटाई कुछ ना कुछ तो है जो कि हमसे पूछी है क्वेश्चन ने, कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी ना, जब ये तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जो मोटाई है ये दोनों साइड में है भाई। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लो हमें क्या है, L कितनी दी है, L दी है 10। ये अगर 10 है, 10 में से ये मान लो कि 2 है, ये 2 है, तो 2 और 2 4 ही तो माइनस करना होगा 10 में से। जब ही तो ये बीच वाला चाहिए मुझे, बीच वाला निकलेगा। तो इसी तरह से ये अगर एक्स है, ये एक्स है, तो 10 में से कितना माइनस करना होगा, 2x, क्योंकि मुझे अंदर वाली चाहिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, तो 10 माइनस 2x, मतलब इसमें से भी 2x माइनस होगा, इसमें से भी 2x होगा, इसमें से भी 2x होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू हमें गिवन है वो x का मान गिवन है। मतलब कहाँ गिवन है, ऑप्शन में, जो कि हमें फाइंड आउट करना है x का मान। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए तो बहुत लेंथी हो जाएगा, या आप बाई ऑप्शन के थ्रू समझ लीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि अगर हम, पहला ऑप्शन है 2 हो सकता है, मैं लिख लेता हूँ, 2 के चांस हैं। 3, अगर मैं 3 × 6 माइनस करूँगा इसमें हो जाएगा, 3 × 6 इसमें भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 की एन 3 × 6, यहाँ पे 7 में से माइनस 6 करेंगे तो 1 बच रहा है भाई। 1 की तो ऊंचाई हो नहीं सकती, सीधी सी बात है, इतनी ऊंचाई कौन लेगा। ठीक है, तो ये तो हट ही गया। आगे देखेंगे, 3 नहीं हो सकता है, 23/3, 3×7 = 21, मतलब 7 पॉइंट के अप्रोक्स में कुछ होगा। तो 7.5 तो भाई इसमें ऐसे ही नहीं घट रहा, तो मतलब ये भी ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन है भाई मेरे पास, 2 और 1, ये आपको चेक करने होंगे। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी कभी लकड़ी की मोटाई पूछी जाए और आप अगर ऑप्शन के थ्रू जा रहे हो तो छोटी वैल्यू लेकर चलें सबसे पहले। ठीक है, तो मैं x बराबर रख लेता हूँ 1। जब x बराबर 1 रखूँगा तो इसमें से मुझे 2 घटाना होगा, इसमें से 2 घटाना होगा, इसमें से 2 घटाना होगा। क्यों? क्योंकि 2×1 = 2 हो जाएगा। तो 2 LB, LB का मतलब कितना है, L और B, लेकिन ये है कितना, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 2 गए तो 5, 7×8 = 56, 7×5 = 35 प्लस 5×8 = 40। ठीक है, 40 और 35 कितने हो गए, 75। तो 75 इसमें प्लस करेंगे तो 1 = 131। तो 2 × 131 कितना हो जाएगा, 262 के बराबर आ रहा है क्या। अगर 262 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब x का मान कितना है, 1। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है देखिएगा, किसी कंटेनर में रखा रंग 9.375 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, के क्षेत्र में को रंगने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इस कंटेनर में रंगे रंग से, ठीक है, रखे रंग से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटें रंगी जा सकती हैं। तो सीधी सी बात है भाई, हमें टोटल पता है कितना है 9.375, ये लेकिन मीटर स्क्वायर में है, हमें चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें जो ईंट की तीनों साइड दे रखी हैं वो क्या है, वो हमें सेंटीमीटर में, तो इंटू कर देंगे कितने का, 100 का, मीटर स्क्वायर है इसलिए दो बार करेंगे, ठीक है। और ईंट का हम अगर एरिया निकालें तो एरिया कितना होगा, टू ब्रैकेट में एल बी, तो 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 7.5 में, तो मतलब 75 प्लस, अब 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 22.5 में, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.5 का, ठीक है, यह आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, तो यह आपका बराबर होगा, ये तीनों को कैलकुलेट करने पर आ जाएगा, ऊपर कितना हो गया, इस पॉइंट से 1, 2, 3 कट जाएंगे, 93750 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 468.75, इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 937.5 मल्टीप्लाई करने पर, एंड ऊपर लिखा हुआ है 93750, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, इससे इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो 100 हमारा आंसर सही है, 100 ईंटें कलर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं जी, 43 में दिया हुआ, एक समचतुर्भुज समचतुफलक के प्रत्येक कोर की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 1, तो इसका आयतन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मैंने ये आप लोगों को कराया हुआ है, टेट्राहेड्रॉन याद होगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता था, ए क्यू बाई 6√2, ये होता था, तो ए क्यू का मान कितना दिया, 1/6√2, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6×2 = 12, तो मतलब 1/12 √2, ये देख लीजिए ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 में टेट्राहेड्रॉन है, कुछ और नहीं है, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, जो कि 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 44 क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार समांतर षटफलक की लंबाई हमें दी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात गिवन है 5:3, लंबाई गुणा चौड़ाई का रेशियो गिवन है कितना, 5:3, एक कांस्टेंट मान लो xx, ठीक है, आगे दिया हुआ है हमें उसकी ऊंचाई हाइट बराबर हमें दे रखी है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आगे बोला यदि समांतर षट फलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई कितने डेसीमीटर में निकालना है, तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा, डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे 10 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 LB कितना 5×15 x² प्लस BH 3×18 x प्लस 6×5 = 30 x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 558, ठीक है, 2 से इसे काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2×7 = 14, 2×6 = 18, कितना हो जाएगा 2×9 = 18, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 15 x² प्लस 18 और 30 मतलब 48 x, इसे इधर लेके आएंगे, माइनस का 279 = 0, ये सॉल्व करनी होगी,
अब तीन से काट लीजिए पूरे को, तो 3 5 15 x² प्लस 3 1 3 3 6 18 16 x माइनस 93 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी। यहाँ से आपको x का मान मिलेगा कितना, 3। x का मान 3 है, और यह आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। एंड x बराबर 3 तो हमसे पूछा है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, l बराबर मतलब 5x का मान, तो 5x का मान कितना है, 3 है, 5 थी कितना हो जाएगा, 15। ये हमारा राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, एक 8 मीटर 7 मीटर और 6 मीटर विमा की लकड़ी के बॉक्स में, ये एक बॉक्स का साइज है, ठीक है, कितना है 8 मीटर, लेकिन नीचे सेंटीमीटर, तो इनटू 100 कर लो भाई, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 7 मीटर मतलब इनटू 100 इसमें भी, इनटू इसमें कितना है 6 मीटर, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे देखिएगा, 8 7 6 सेंटीमीटर विमा वाले आयताकार बॉक्स डिब्बे को ले जा गया है, मतलब ये इसमें हमें डिब्बे रखने हैं, तो कितने डिब्बे अधिकतम रख सकते हैं, सीधी सी बात है, तो उनकी हमें तीनों विमा दे रखी हैं 8 7 6, तो 6 से 6 गया, 7 से 7, 8 से 8, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 46 में क्या दिया हुआ है। 46 ने हमसे बोला, एक घन के एक फलक का परिमाप, एक फलक का परिमाप कितना होगा भाई, 4a होगा, बराबर दिया है 20, तो 4 5 20, a बराबर 5, जब a बराबर 5 है तो हमसे पूछा इसका आयतन वॉल्यूम बराबर 5 का क्यों, तो कितना 125, यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 47 क्या बोल रहा है, एक घनावाकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी 1.5 मीटर चौड़ी और आधी भरी है, ठीक है, यदि उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए, 630 लीटर पानी डाला जा रहा है, ठीक है, तो जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा, उसने उतना ही पूछा है कि 630 लीटर में पानी डाल दूं, जैसे ही मैं पानी फिल करूंगा तो इसके हिसाब से ही भरेगा ना, पहले कितनी भरी है उससे मतलब नहीं है, हमें तो ये पूछा है 630 डालने से कितना बढ़ रहा है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, उस बात को नेगलेक्ट करेंगे, आधी भरी है वो किसी काम की नहीं है, 2.1 मीटर लंबी है, ऑप्शन में देखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एक काम करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ 2.1 सेंटीमीटर के लिए 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, ठीक है, इसी तरह 1.5 मीटर तो 150, ठीक है, सेंटीमीटर में आधी भरी है उससे कोई मतलब नहीं है, इंटू एच, तो मतलब 210 इंटू 150 इंटू एच हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और 630 लीटर है, कितना है 630 लीटर, लेकिन लीटर को हमें चेंज करना होगा किस में, हमें चेंज करना है लीटर को, एक लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर है, तो एक काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1000 का सेंटीमीटर में हो गए सारे, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, अब बचा गया मेरे पास 15 21, 21 दिया 63 मतलब 30, 15 2 30, तो h बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 20, तब h बराबर 20 है तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए 20 है या नहीं, 20 तो नहीं है, एक काम कर सकते हैं कि हम इसे मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो मीटर में चेंज करने के लिए 20/100 तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 48 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 48, किसी आयताकार बक्से के तीन आयताकार बक्से के तीन फलक जो कि
जिसकी कोने हमें मिलते हैं उनके क्षेत्रफल क्रम से 12, 15 और 20 हैं। ठीक है, तो बक्से का आयतन हमें निकालना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़िएगा, किसी आयताकार बक्से के तीन सिन्नट फलक जिनके कोने मिलते हैं, ठीक है, और हमें बोला है कि उसका क्षेत्रफल। इस केस में मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, हो चुका है वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एरिया हमें गिवन होता है तो एक्स वाई जेड, जो कि आप लोगों को लिखा दिया है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो इसका आयतन हमसे पूछा है, इस बॉक्स का आयतन कितना होगा, तीन फलक दे रखे हैं, ठीक है, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स बाई जेड, एक्स का मान कितना है 12 है, इंटू 15 वाई का मान, जेड का मान कितना है 20 है। सॉल्व कर सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसमें काट लेते हैं 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 4 बाहर आ गया, ठीक है, 3 × 3 = 5 = 15, 3 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, तो हमारा जो आंसर होगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा 60 cm³, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं जी, 49 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, घन के आयतन एवं उस गोले के आयतन जो घन के अंदर पूर्ते सेट हो जाता है उसका अनुपात क्या होगा। तो देखो, एक हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ क्यू रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यू क्यू क्या होता है, ए क्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, ठीक है। अब यहाँ पर हमें r निकालना है और साइड हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में, साइड तो नहीं गिवन, तो a मान लेते हैं, जैसे कि मेरे पास q है मैं बना देता हूँ इसके अंदर, एक हमारे पास स्फीयर है और ये साइड हमें a दी गई है, तो स्फीयर की ये वाली साइड की रेडियस कितनी हो जाएगी स्फीयर की, a/2, वैल्यू पुट कर दो तो ए क्यू रेशियो 4/3 π आर क्यू, मतलब ए क्यू बाई 8, ए क्यू से ए क्यू गया, 4 × 8, 3 × 6 इधर आ जाएगा, तो 6 ratio π हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 ratio π करेक्ट आंसर है, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50, किसी लोहे के घन के तीन किनारे, मतलब एक यहां पे घन नहीं है, तीन घन है इस तरह से, ठीक है, तीन घन हमें दिए हुए हैं और इनकी हमें किनारे दिए 6, 8, 10, 6, 8, 10, और हमसे बोला गया उनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तैयार किए गए उस नए घन का किनारा बताना है हमें, तो सीधी सी बात है इसका क्यू कर दीजिए। तो पहले तो इनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्यू है 6 का कितना हो जाएगा 216, 8 का कितना 512 एंड प्लस 10 का 1000, प्लस करेंगे 6 × 2 = 8, 2 = 1728, 1728 बराबर क्या होगा तीसरे चौथे घन के, जो कि हम इनको मिलाकर बना रहे हैं ए क्यू के बराबर, ये किसका क्यू है 12 का क्यू, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, साइड बराबर नई वाले की आ जाएगी 12, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ये हमारा राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।